वेलकम टू एसएससी मेकर राजा 25 जून 2021 और 25 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं, तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। आज का कोट है, कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और साथ में लिखा है कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो हम लोग दोष देते हैं अपने पास्ट को कि हमने ये फेल कर दिया, हम इस एग्ज़ाम में अचीव नहीं कर पाए, हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो हमारे ही हाथ में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। और यही चीज़ होता है अपनी लाइफ में, अगर हम अपने पास्ट को किसी भी तरह के पास्ट को लेके बैठे हैं ना तो डेफिनेटली हमारी लाइफ आने वाली जो लाइफ है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में आके फ्यूचर का सोच रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए तो आई होप सब लोग इन चीज़ों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यहाँ पर अगर बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें 20 सेकेंड, जनरल अवेयरनेस की बात करें जनरल अवेयरनेस के 20 सेकेंड, जी एस वन लाइनर की बात करें जी एस वन लाइनर के 25 सेकेंड, साथ में मैं आपको बताऊँ मैथ्स और रीजनिंग का तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअल में आप लोगों का, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स को लॉन्च किया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है भूटान। जी हाँ, इंडिया एंड भूटान का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। देख लेते हैं एक्चुअल में न्यूज़ क्या है। 23 तारीख को हाल फिलहाल में संयुक्त रूप से भारत और भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है, साथ में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है भूटान। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अच्छा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, भूटान के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो सारी लिख देनी है। क्यों, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है भूटान, बहुत ज़्यादा हमारे देश का एक तो नेबरिंग कंट्री में से एक आता है भूटान, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री भी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे जापान है, ठीक है, भूटान है, ये सारी कंट्रीज जो हैं बहुत अच्छी सी पीसफुल सी कंट्री मानी जाती हैं। तो इनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैपिटल, फॉर्मेशन ईयर, ठीक है, और वहाँ पर जो हेड है अभी वो कौन है, ये नाम आपको, ये 3-4 क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन आपको लिख देने हैं कॉमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बात कर लें भाई, आज के वीडियो को लेकर टारगेट आपको पता है 2500+ लाइक्स, भाई जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव कर दो, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज कर लेंगे टारगेट। अच्छा, और हाँ, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली आपको PDF मिल जाती है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश ने कोविन प्लेटफॉर्म को अन्य देशों के लिए एक खुला स्रोत बनाने का निर्णय लिया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है भारत। जी हाँ, इंडिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म के अन्य देशों के लिए एक खुला स्रोत बनाने का निर्णय लिया है ताकि वे इस तकनीक का उपयोग अपने स्वयं के टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कर सकें। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने भारत में राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने की भी मदद की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है हमारी प्यारी कंट्री भारत। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो भाई थर्ड क्वेश्चन है, रिलायंस ने किस कंपनी के साथ जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है जियो फोन नेक्स्ट, ये एक फ़ोन है, ठीक है, जियो का है, जिसका पूरा नाम क्या है, जियो फोन नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात करें इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है गूगल। गूगल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, अंबानी जी ने 5G के लिए
गूगल के साथ में साझेदारी कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरी तरह से फीचर्ड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च करने की घोषणा करी है, जिसे गूगल के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करें तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल के रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है कोचिन। जी हाँ, कोचिन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में न्यूज़ बताऊँ तो न्यूज़ क्या कहती है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनर जो है वो उन्होंने जीता है, मतलब उस एयरपोर्ट ने जीता है। साथ में मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हवाई अड्डा संचालकों का एक वैश्विक निकाय है जिसने हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस मान्यता की स्थापना भी कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, पुरस्कार ACI कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई हैं अभी ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कोचिन। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो डैश ने EPGS नामक एक केंद्रित वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है LIC। जी हाँ, LIC इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की यहाँ पर बात करें तो लाइफ LIC ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, LIC ने इस प्लेटफॉर्म को अपने ग्रुप बिजनेस ऑपरेशंस के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें इस परियोजना की, तो इस परियोजना में परियोजना EPGS का उद्घाटन LIC के अध्यक्ष कौन है, MR कुमार, उन्होंने कहाँ पर, मुंबई में किया, तो इसका करेक्ट आंसर है LIC। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो भाई छठा क्वेश्चन है आप लोगों का, सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने लाखों डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, 32 मिलियन डॉलर। ठीक है, यहाँ पर मिलियन है, ठीक है, लाख नहीं है, मिलियन है, यहाँ पर मिलियन कर लेना, 32 मिलियन डॉलर पर इन्होंने मतलब ये किया है, एक हस्ताक्षर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ में, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने, मतलब मिजोरम की सरकार ने, बेसिकली इंडिया की बात की जाएगी, स्टेट तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ में बेसिकली मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन डॉलर मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, यह परियोजना विशेष रूप से अल्प सोवित क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लाभ के लिए होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 32। ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर लाख की जगह आप लोग क्या कर लेंगे, मिलियन कर लेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। चलिए, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है, इट्स जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। चलिए देखते हैं आज का सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सेवंथ क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो किस मंत्री ने नई दिल्ली में गांधी स्मृति राजघाट में केंद्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करी है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। जी हाँ, संस्कृति मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, उन्होंने नई दिल्ली में गांधी स्मृति में संस्कृति पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करी है। साथ में मैं आपको बताऊँ, बैठक में सरकार द्वारा की जा रही चल रही गतिविधियों और भारत की आज़ादी के 75 साल के जश्न में आगे की राह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई है। 75 साल होने वाले हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जश्न मनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो ओलंपिक थीम गीत
लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत की रचना किनके द्वारा की गई है, तो कौन सा सिंगर इसका करेक्ट आंसर है, मोहित चौहान। जी हाँ, मोहित चौहान इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत को लॉन्च किया गया था। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को संगीतबद्ध और गाया, मतलब उन्होंने बनाया और गाया भी उन्होंने ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात बताऊँ, खेल 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड मोमेंट माना जा रहा है। 100 से ज़्यादा हमारे इंडियंस उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, हमारी प्यारी कंट्री को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, मोहित चौहान इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों का, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है आंध्र, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, आंध्र के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचरण जी हैं। उन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला भारत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में बधाई दी। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचरण जी ने कहा है 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद कर्णम मल्लेश्वरी देश में एक घरेलू नाम पर बनी रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आंध्र। ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो पर्सनैलिटी है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, आंध्र से। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, वन प्लस वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड ने क्रिकेटर डैश को अपनी वियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा है वन प्लस, वन प्लस क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन भी आता है वन प्लस का, गैजेट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं, वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊँ, वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच इंक्लूडेड है, जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल है, जो प्रीमियम डिज़ाइन सीमलेस कनेक्शन और स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग के साथ में हमें प्रदान होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट के अंदर अंदर कल का क्विक रिवीजन, एक मिनट के अंदर अंदर। अगर यहाँ पर मैं बात बताऊँ आपको, WWF इंडिया द्वारा वन फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में उपासना कामिनेनी को नामित किया गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और भारत और फिजी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया है। गुजरात ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। तो आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, कल का रिवीजन भी सब लोगों का अच्छे तरीके से हो गया हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, डैश अपनी महानदी में तीनों प्रकार के मगरमच्छों की प्रजाति रखने वाला एकमात्र राज्य बन गया है भारत का, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो भाई देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। आज का क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या है वीडियो के लाइक का टारगेट, वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती है, वहाँ से प्लीज़ करके PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको विद आंसर्स डेली PDF मिल जाती है, ठीक है। और वहाँ पर ना डेली क्विज भी होता है जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो डेफिनेटली वो क्विज भी आप लोग ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।